ध्यान में रखे, दिमाग में रखे। बाजार से सब्जियां लेकर आते वक्त ध्यान दे कि घर में कितनी इस्तेमाल होगी और कितनी वेस्ट होगी। हरी साग भाजियों को पहले बनाकर खत्म करें, अन्यथा फेंकने में जाएगी। दिन का खाना बच गया है तो उसे रात में ही फ्रिज से निकालकर इस्तेमाल कर लें। दूसरे दिन का प्लान करेंगे तो खराब हो सकता है। रात में बचे तो उसे ब्रेकफास्ट कर लें। अगर ऑफिस में काम करते हैं या किसी भी जॉब में है जहाँ कैंटीन की सुविधाएं उपलब्ध हैं, या कोई होटल आपके पहचान का है जहाँ खाना रात में बच जाता है, तो मैनेज कीजिए उनके साथ मिलकर। कॉन्टैक्ट कीजिए अपने आसपास के एनजीओस को, वो हेल्प करेंगे ये खाना जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए। शादी पार्टियों में भी ये चीज़ की जा सकती है। और इन सबसे बड़ी बात, आप सभी युवाओं से, देश के यूथ से विनती है कि जब कभी बाहर आउटिंग के वक्त या घूमते फिरते कुछ खाने का मन करे तो प्लीज़ घर में फ़ोन ज़रूर लगाइए। माँ को ज़रूर बोलें कि आज मेरे लिए मत बनाना माँ, नहीं तो देश की मेहनत भी उस खाने के साथ नाली में जाएगी और आपकी माँ की ममता भी वहीं बह जाएगी। जहाँ से हूँ वहाँ की बात करता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की कहानी कहूँगा। एक कहावत है मेरे देश में, जहाँ अन्न का अपमान होता है वहाँ लक्ष्मी नहीं आती। जिस घर में खाने की बेइज्जती होती है वहां बरकत नहीं होती। तो इतना ही कहेंगे, उतना ही ले थाली में कि व्यर्थ ना जाए नाली में। भोजन खाने के लिए है, फेंकने के लिए नहीं। जहां की चीज है ना वही रखनी चाहिए। और ये वीडियो शेयर करने के लिए है, देखकर भाग जाने के लिए नहीं, क्योंकि आप तो भाग जाएंगे पर आपकी अंतरात्मा कचोटती रहेगी आपको। धन्यवाद।